नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत जल्द में बना रहा हूँ और जैसा अभी आपको पता होगा मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ है इस बुक का। ठीक है, इस बुक का चैन वीडियो अपलोड हुआ है और बहुत से लोग इस बुक को लेकर कमेंट कर रहे हैं मेरी, तो यानी इस बुक को लेकर के। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था उस वीडियो में। देखिए, यदि आपके पास लूसेंट है, यदि आपने पेज पढ़ा होगा तो मैं आप पेज पढ़ के अंदर आए हुए, यदि आपके पास लूसेंट है, अरिहंत है, आदित्य पब्लिकेशन, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे पढ़िए। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो पूछते हैं सर 40 में 40 आने चाहिए, तो उस बुक के लिए हम क्या करें, और बहुत ब्रीफ चाहिए हमें, ब्रीफ मतलब बहुत डीप में हो हर चीज़। जैसे आप इसमें अलंकार पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत डीप दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप हुआ है क्योंकि ये पीसेस लेवल की बुक है। ठीक है, ये बुक क्या है, पीसेस लेवल की है। ओके, तो इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड किया। बाकी आपके पास यदि लूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन है, कोई भी बुक है, आप भैया पढ़िए, आपको ज़रूरत नहीं है ये बुक खरीदने की। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हाँ आप 40 में 40 आने ही चाहिए, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए बुक है। बाकी आप चाहें तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप आदित्य से भी कर सकते हैं, आप अरिहंत से भी कर सकते हैं। तो यदि आपने आपके पास ये तीनों में से कोई भी बुक है, तो आपको ज़रूरी नहीं ये बुक खरीदना है, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। रीज़न क्या है कि लोगों को गलतफहमियाँ होने लगी। ठीक है, लोग परेशान होने लगे, मैं कमेंट भी अभी पढ़ रहा था। ठीक है, तो इससे पहले कि आपकी गलतफहमियाँ ज़्यादा बढ़ें और आप इस बुक को ऑर्डर करें, यदि आपके पास वो बुक है तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। और आपको यदि ज़्यादा पढ़ने की आदत है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की आदत है और आप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, हर तरह से मतलब चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, तब इस बुक को लीजिए, अन्यथा वो वाली बुक भी पर्याप्त है, आप उससे भी पढ़ के दे सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बैक ईयर के पेपर जाके एक बार बैठ करके जितने भी सेट आए हैं, 12 14 जो भी सेट हैं, उनको बैठ करके आप एनालाइज कर लीजिए और उसके बाद कैटेगराइज करके देख लीजिए कि किस बुक से कितना आ रहा है, ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, मेरी बात पर आप विश्वास मत करिए, मैं शायद आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ पर आप खुद बेवकूफ़ नहीं बन सकते। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने के केवल और केवल यही मकसद है कि यदि आप ये बुक पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, और यदि वो बुक भी पढ़ेंगे तब भी अच्छा है, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक मैडम कह रही थी कि तुम मतलब पता नहीं क्या बता रहे हो, हवा बना दिया UPSI को और ये वो दुनियादारी। तो भैया, मेरा आपसे साफ साफ निवेदन, मैंने कोई हवा नहीं बनाया, आपकी चॉइस है। आप चाहे तो इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना करें, अन्यथा ना करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा मोटो यह है कि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मेरे मानसिकता में बस एक प्रश्न था कि यदि मेरे वीडियो से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो भी मेरा जीवन सफल है। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहिए। मैं कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैसे वैसे का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि मेरी मनसा खराब हो, ऐसा कुछ नहीं भैया। तो इसलिए गलत फहमियाँ ना पाले, ओके, और सही डायरेक्शन मैंने देने का प्रयास किया। बाकी आपकी इच्छा है, बुक लेना चाहे, यदि ब्रीफ पढ़ना चाहे, बहुत डीप पढ़ना चाहते तो आप लीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।